बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को मंदी की रेसिपी देने जा रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मंदी, मटन मंदी। आप लोगों ने इसका बहुत नाम सुना होगा, आजकल बहुत ही नई है मटन मंदी। किस तरह से बनती है, ये अरबी डिश है। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं, इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी मंदी बनाने के लिए। सबसे पहले हमने, ये आप देख सकते हैं, मैंने मटन के पीस ले लिए हैं। इस साइज़ में आपको बड़े बड़े पीसेस चाहिए होंगे, ये इस तरह के आप बड़े बड़े पीस ले लें मटन के। तकरीबन एक पीस ये हाफ केजी का है और ये 3-3.5 किलो गोश्त है जिसकी मैं बना रही हूँ। 4 पीसेस मैंने लिए हैं, एक रान लेकर उसके मैंने 4 पीस करवा लिए। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से बड़े साइज में एक रान लेकर उसके 4 पीस करवा के तकरीबन ये बन गया 3-3.5 किलो के करीब गोश्त। बड़े साइज में पीसेस रखने हैं। ऑलिव ऑयल 3 टेबल स्पून, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल 3 टेबल स्पून। राइस आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जितने भी आपको लेने हैं। मैंने हाफ के जी रखे हुए राइस। साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, तेज़पात का पत्ता बे लीव्स 2, एक छोटा एक ये बड़े साइज में। ये हमें राइस जब हम बनाएंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी 4 अदद लॉन्ग, 4 क्लोव, 3 ग्रीन कार्डेमम्स, हरी इलायची, सब्ज इलायची, 1 बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डेमम, 1 सिनेमन स्टिक, 1 एक अदद दालचीनी का टुकड़ा, 1 कोयला चाहिए होगा, 1 अदद कोयला स्मोक के लिए, 1 चारकोल फॉर स्मोक, सॉल्ट एस टू टेस्ट, नमक हसबे ज़रूरत, रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच और हसबे ज़रूरत। ये आप देख सकते हैं 10-12 आलमंड्स, 10-12 अदद बादाम, 2 टेबल स्पून क्यूमिंग सीड्स रोस्टेड, 2 चमचे भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, आधी चमचाई की चमची हल्दी पाउडर। ये हमें चाहिए होगा जो हम इसका मंदी का मसाला तैयार करेंगे उसके लिए। 3 सिनेमन स्टिक्स, 3 अदद हमें दालचीनी चाहिए, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च साबुत, ये है अदरक का पाउडर जिंजर पाउडर 1 टेबल स्पून, ये है 1 नटमेग, जावित्री 4 अदद, 4-5 अदद लॉन्ग, 4-5 क्लोव, 4-5 ग्रीन कार्डेमम्स हरी इलायची, ऑयल फॉर कुकिंग और एज पर रिक्वायरमेंट जितनी आपको ज़रूरत होगी जब हम यूज़ करेंगे ऑयल। 1 अदद आपने बड़ी अनियन लेकर उसको फाइन चॉप कर लेंगे हम, 1 लेमन, 4 ग्रीन चिलीज, 1 चिकन क्यूब। ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए होंगी आज की अपनी इस डिश के लिए। सबसे पहले आपने करना ये है, एक आप जूसर का जो भी जिसमें पीसते हैं वो ले लेंगे, उसमें आपने ये बे लीव्स ऐड कर देने हैं दोनों, कोरिएंडर सीड्स, ज़ीरा, ब्लैक पेपर, दालचीनी, जब नटमेग, ग्रीन कार्डेमम लौंग, इसको अब आपने पीस लेना है। सबसे पहले एक बाउल ले लें, उसमें ये अपने मटन के पीस ऐड कर दें। ये देख सकते हैं मैंने इसको पीस लिया है, ये मैरिनेशन का वो तैयार हो गया है मसाला। अब आपने ये अच्छी तरह से इस तरह से इसको मैरिनेट करना है। इससे 2 टेबल स्पून के साथ मैंने इसको मैरिनेट कर लिया, बाकी मसाला मैंने बचा लिया, ये हम राइस में यूज़ करेंगे। ये हल्दी इसके ऊपर जगह जगह स्प्रिंकल कर दें, नमक, अच्छा अभी देख सकते हैं 3 घंटे हो गए हमारे इसको मसाला लगे हुए मटन को। अब हम इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं।
सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है, उसके अंदर हाफ कप ऑयल ऐड कर देंगे आप। जैसे ही आपको ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा, तीन अदद सब हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, तीन चार लौंग, ये ऐड कर देंगे। दो मिनट इसको हम फ्राई कर लेंगे। जैसे दो मिनट ये फ्राई हो जाएगा हम ये प्याज डाल देंगे। ये देख सकते हैं मैंने फाइन चॉप कर ली थी एक प्याज, जो दिखाई थी आपको उसको फाइन चॉप कर लेंगे। अब इसको हम दो मिनट फ्राई कर लेंगे अपनी प्याज को। प्याज को आपने सिर्फ दो से तीन मिनट फ्राई करना है, क्योंकि चॉप हुई हुई तो जल्दी फ्राई हो जाएगी, ज़्यादा ब्लैक ब्राउन नहीं करना। जैसे ही आपकी प्याज हल्के ब्राउन कलर में आना शुरू हो जाए तो आप ये मीट ऐड करके दो मिनट इसको फ्राई कर लेंगे। दो से तीन मिनट इसके साथ आपने फ्राई करना है। दो मिनट फ्राई करने के बाद इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे, अदरक का पाउडर, फोर ग्रीन चिल्लीज, ये एक लीमू लेके इसको हम बीच में से दो कर लेंगे, ये डाल देंगे। और अब इसके अंदर कम से कम दो लीटर पानी ऐड करके इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको हमने जब तक पकाना है जब तक हमारा गोश्त बिल्कुल गल नहीं जाता, गोश्त गल जाए और तकरीबन दो कप यखनी इसमें बाकी रहनी चाहिए, हमने इसको जब तक पकाना है। अब इसको ढककर आप ढाई तीन घंटे के लिए छोड़ दें गोश्त गलने के लिए। अच्छा आप ये देख सकते हैं इसको मैंने 3 आवर्स पका लिया है, गोश्त मेरा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब ये मैं सारे पीसेस बाहर निकाल लूंगी, इसमें आप देख सकते हैं यखनी स्टिल बाकी है अभी भी। चावल धोकर मैंने भिगो दिए हैं 30 मिनट के लिए, और अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं पीसेस को। ये मैंने निकाल कर एक प्लेट में रख लिया, अब इसको एक साइड पे रख दें। अच्छा अभी एक दूसरा पैन लेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके बादाम, इस तरह से आप एक बादाम के 2 पीस कर लें और उसको हम फ्राई कर लेंगे 2 मिनट। हल्का सा उस पर गोल्डन कलर रोस्टेड सा कलर आ जाए, जैसे रोस्ट करते हैं हम, इस तरह रोस्टेड कलर आ जाएगा तो उसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इसको 2 मिनट हमने फ्राई कर लिया, अब हम इसको एक बॉल में अलग निकाल लेंगे। अब इसी पैन के अंदर आपने ये एक एक पीस डाल के हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है, किसी भी किस पे कलर सा आ जाए, ये इस तरीके से दोनों साइड से इसको 2-2 मिनट फ्राई कर लेंगे हम सारे पीसों को इसी तरह से। ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको हल्का सा गोल्डन कलर दे दिया दोनों साइड से, इससे थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा आपके गोश्त के अंदर, एक ड्राईनेस और वो जो एक फीका फीका सा होता है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से एक टेस्ट आ जाएगा दोनों साइड से। आप 2-2 मिनट इसको 1-1 टेबल स्पून ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे गोश्त को, और एक प्लेट में साइड पर रख लेंगे। ये लास्ट में हम अपने चावल के ऊपर रख के सर्व करेंगे। अच्छा हम अपनी कुकिंग की तरफ चलते हैं राइस की। आप ये देख सकते हैं गोश्त मैंने बॉईल करके यखनी में, ये यखनी के अंदर हमने बॉईल किया था, फ्राई करके इसको रख लिया है। बादाम मैंने फ्राई करके रख लिए हैं। अब आपने करना ये है कि जो ये बाकी रह गई हमारी यखनी जो हमने बचा ली है यखनी गोश्त जिसमें उबाला था, अब इसमें ये आपने चिकन क्यूब ऐड कर देना है। इसमें जैसे ही एक बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। जितनी देर में हमारा पानी बॉयल हो रहा है इतनी देर में हमने ये करना है, ये चारकोल कोयले कोयला गर्म होने रख देंगे। ये कोयला मैंने गर्म होने रख दिया है ताकि इतनी देर में हमारा कोयला अच्छी तरह से गर्म हो जाए जितनी देर में हमारे राइस तैयार होंगे। देख सकते हैं पानी खुश्क होना शुरू हो गया, बबल्स बनना शुरू हो गए, चावल ऊपर आना शुरू हो गया। अभी हम ये बादाम ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे। अब ये जो मटन के पीसेज हैं हम ये इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। ये डबल रोटी का पीस सेंटर में रखेंगे क्योंकि हम इस पे कोयला रखेंगे। अब आपने इसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स ऑयल ऐड करके इसको फौरन कवर कर देना है। अब आपने इसको 10 से 15 मिनट दम देना है ताकि आपके चावल अच्छी तरह स्मोक हो जाएं और आपके गल जाएं। जैसे हम चावल नॉर्मल दम पे लगाते हैं इस तरह इसको दम पे लगा देंगे 10 मिनट के लिए। अभी देख सकते हैं 10 मिनट हो गए इसको दम दिए हुए, अब हम इसको खोलते हैं। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल चावल हमारे गल गए हैं, दम हो गया है। अब हम इसको प्लेट में सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं मज़ेदार सी मंदी हमारी तैयार है। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी आज की रेसिपी आप लोगों को। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी कल। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।